Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flame Final Stage, that is Reunion. आज का वीडियो बेस्ड है ट्विन फ्लेम की लास्ट स्टेज जो है रीयूनियन. इसके आगे के 6 स्टेज पर तो बात होती ही रहती है, और हो भी क्यों ना, जब तक कोई नर्सरी क्लास 1 से लेके आगे का की स्टडी नहीं कर लेता तब तक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बन सकता. तो आप में से ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट रीयूनियन को अचीव नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको गाइडेंस देने के लिए पहले के 6 स्टेजेस पर ज़्यादा वीडियोस बनाना पड़ता है. और एक वजह ये भी है कि रीयूनियन अचीव करना इतना आसान नहीं होता, और जब हो जाए तो आप फिर पहले की तरह नहीं रह जाएंगे. इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है. द अल्टीमेट गोल ऑफ ट्विन फ्लेम इज टू असेंड टू अ हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर हैविंग ट्रैवल अ लॉन्ग स्पिरिचुअल पाथ. जैसे एक पेड़ हवा की झोंकों, कई बारिश की तेज बौछारों और आधी तूफानों को झेलते हुए फलों की सौगात देता है ना, जैसे कोई पत्थर भी जब तक तराशा नहीं जाता वो ना तो मंदिर की शोभा बन पाता है और ना तो किसी के ड्राइंग रूम में शोपीस बन पाता है. इसी तरह ट्विन फ्लेम कनेक्शन दोनों ट्विन के लिए प्योरेस्ट फॉर्म में आने की जर्नी होती है. हमारे डार्कर साइड को जानने के लिए मिरर का काम करता है हमारा ट्विन फ्लेम. और वहीं इस फाइनल स्टेज को मैं अगर स्पिरिचुअल स्टेज कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा. और ये वही आखिरी स्टेज होती है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देती है. मुझे नहीं पता इस टॉपिक पर जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए वो अभी कौन सी स्टेज पर हैं, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आप सभी अगर ऐसे ही मेहनत और उस ऊपर वाले पर विश्वास जिन्होंने आपको ये जर्नी दी है करते रहें तो एक दिन आप सबका रीयूनियन ज़रूर होगा. In reunion stage, both the twin flames get along better and better and reach a full mutual understanding. अब तक दोनों को ही समझ में आ जाता है कि क्यों उनको लाइफ में कार्मिक लेसन दिए गए, क्यों सफरिंग दिया गया, why they have gone through various difficult situations. और जब खुद के ऊपर दुख आता है ना, तभी दूसरों के दुख का पता लग पाता है. एसी में रहने वाले बाहर धूप के तपन को नहीं जान पाते. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब 12 इयर्स की थी तो मैं अपनी दोनों पेरेंट्स को खो दी थी. इसलिए ऑफन चिल्ड्रन के दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूं. रीयूनियन तक आते आते दोनों ट्विन फ्लेम्स के अंदर से ईगो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. अब तक दोनों एक सोल बन जाते हैं, दोनों की सोल मर्ज होती है. दोनों ड्वेलिटी में नहीं, अब वननेस को फील करते हैं. दोनों ही ट्विन सोल्स स्पिरिचुअली असेंड हो गए होते हैं. ड्यूरिंग दिस स्टेज वर्चूज सच एज पेशेंस, मर्सी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर मैनिफेस्टेड. दोनों ट्विन सोल्स की लाइफ में अब ईगो की कोई जगह नहीं बसती. जैसे पहले बात बात पर ईगो सामने आ जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा. दोनों को ही समझ में आ जाता है कि ईगो इज नथिंग बट माइंड गेम. बोथ आर गाइडेड बाई व्हाट द हार्ट टेल्स देम एंड इग्नोर मेंटल क्वेश्चनिंग. दोनों ट्विन फ्लेम्स अब तक अपने पास्ट की जितनी भी पेनफुल मेमोरीज, जितने भी कंप्लेन्स और जितने भी हर्ट्स हैं उन सभी को भुलाकर परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं. दे मूव टूवर्ड्स एन इटर्नल जॉय वेयर दे विल बी वन सोल. रीयूनियन स्टेज में दोनों ट्विन फ्लेम लाइफ की एक नई मीनिंग को जान पाते हैं,
दोनों ही जान पाते हैं कि इस पृथ्वी पर आना उनका एक मकसद है। यहाँ पर आए, अपनी लाइफ जिया और एक दिन भगवान के पास चले गए। सिर्फ यही नहीं है जिंदगी। जिंदगी माने जिंदा दिली, जहाँ चाहे जितने भी जख्म मिले आप जिंदा दिल बने रहेंगे। आप समझ जाएंगे कि कोई भी दुख बिना कारण के नहीं मिलता। इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आप यकीन माने, दुख को आप जितना रेजिस्ट करेंगे, आप उससे लड़ने की ताकत खोते चले जाएंगे। भगवान सारे दरवाजे एक साथ कभी भी नहीं बंद करते। और जो दुख हमें मिलता जाता है, उसको कार्मा बैलेंस मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भगवान जब कभी भी दुख देते हैं, आपको ये समझाने के लिए कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं फॉर लर्निंग द लेसन्स एंड यू आर नॉट बिलोंगिंग टू अर्थ, योर ओरिजिनल होम इज नॉट हियर। आपको याद दिलाने के लिए कि कहीं आप फिर से इस अर्थ के इल्यूजन में फंस तो नहीं रहे हैं। गॉड गिव्स अस सॉरो टू नॉट टू इंडल्ज in art's drama. We have to keep in mind that we are only puppets in God's hand. Reunion stage में दोनों twin flame के अंदर कुछ नया करने की, जिससे society को या अपने community को, community members को help करने की चाहत develop करने लगती है। They develop a new passion and through it they fulfill the purpose for which they have come to earth. और ये पैशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे आर्ट, पॉलिटिक्स, हेल्थ रिलेटेड कुछ काम करना। जैसे मैं अपने सिटी के ऑफनेज हाउस की जॉइंट मेंबर हूँ। हमारा एक एनजीओ भी है, तो ये सोल पर्पस में आता है, जो कि आपको करना पड़ता है। जो भी जिस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सके, उसे करना होता है। The universe designed this twin flame union for the community to benefit in some way. जिससे आप सबको motivation मिले, हम लोग videos भी बनाते हैं और ये सभी videos आप सभी के लिए free available होते हैं. Everyone wants to have ideal relationship that lasts a lifetime, okay? Right? The twin flame relationship illuminates the path of true love. ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्रेट बॉन्ड होता है, जो भले ही दूसरों को समझ ना आए, पर भगवान उन्हें जरूर समझते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम को समझ में आ जाता है कि उनका कनेक्शन किसी और कनेक्शन को तोड़कर बनाना नहीं है। रीयूनियन फेज में उनको कनेक्शन बनाने के लिए किसी हद तक गुजरने की जरूरत नहीं होती। During this long spiritual journey, both twin flames must polish every aspect of themselves to improve each other. दोनों twin flames को इतनी खुशी, इतनी satisfaction मिलती है, जिसको शब्दों में बोल पाना कठिन होगा। आपके जिंदगी की सारी खुशियों का एक साथ पिरो कर एक माला बना दिया गया हो, ऐसा लगता है। लोग कहते हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी चाहत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। एक विश पूरी हुई, दूसरी विश आप करने लगेंगे। दूसरी पूरी हुई, तीसरी की ख्वाहिश सामने आ जाती है। पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आफ्टर यूनियन ऑफ योर ट्विन, यू आर नो मोर बिलोंग टू दिस अर्थ, और कोई चाहत मेरी अब बाकी ही नहीं रही। ट्विन को पाना मेरा जिंदगी का सब हासिल करना हो गया। The twin flame union raises the vibrational energy frequency of all humanity. उनका इस अर्थ पर आना एक पर्पस होता है। ऐसा नहीं कि चलो हो गया रीयूनियन, अब निकल लेते हैं हनीमून पर। यस, ये सब भी होता है अगर आप अपने ट्विन से मैरिड हैं, पर उसके बाद भी आपकी सोल खुद ही सोल पर्पस करना चाहेगी। आप सिर्फ अपने खुशियों तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहेंगे। And if you are not married with your twin flame, then you are not having any type of complaint किसी भी तरह आप दोनों को ही सोल पर्पस
करना ही होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो यूनिवर्स फिर से आपको सेपरेट कर देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों सोल्स हाईली इवॉल्व्ड हो जाने के बाद ही रियूनियन होता है। फिर वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। दे आर लाइट वर्कर्स इन दिस अर्थली रियलिटी। टू ट्विन फ्लेम्स कम टू टीच द मीनिंग ऑफ ट्रू लव विच इंस्पायर्स एवरीवन टू अचीव इट ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। रियूनियन स्टेज में दोनों एक दूसरे की लाइफ का इनक्रेडिबल पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद भी दोनों ट्विन की जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इसीलिए तो इसको जर्नी कहा गया है, जर्नी, यात्रा जो कभी खत्म ही ना हो। तो आज का मेरा वीडियो रियूनियन के बाद क्या कुछ ट्विन सोल्स, कुछ हमारे डियर सोल्स पूछना जानना चाहते थे कि व्हाट आफ्टर रियूनियन। तो मैंने ये वीडियो बनाया, शायद ये कल ही पूछा गया था, मुझे लगा आज मुझे इस वीडियो पे बनाना है। होपफुली यू विल लाइक इट मोस्ट। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू के साथ कि आप मेरा वीडियो को सुने, पसंद करें। ओम नमः शिवाय।